कौन है बीटेक पानीपुरी वाली, सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा, बुलेट चलाकर घूमती है बाजार। कहा जाता है कि दिल में अगर कुछ करने की तमन्ना हो और दिमाग में जुनून सवार हो तो फिर हर मंजिल पाई जा सकती है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर आप कई युवाओं को देखते होंगे जो अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जिनमें MBA चाय वाला, BTech चाय वाली, MA चाय वाली, BSc चाय वाली वगैरह। ये ऐसे कई नाम हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अब एक नया नाम इस लिस्ट में और जुड़ गया है, जो है BTech पानीपुरी वाली। बता दें कि स्टार्टअप जगत में महिलाओं का जलवा बरकरार है। BTech चाय वाली के साथ साथ BTech पानीपुरी वाली का नाम भी चारों ओर मशहूर हो रहा है। ऐसे में हम आपको BTech पानीपुरी वाली की कहानी उसी की जबानी बताने वाले हैं, कैसे उन्होंने समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़कर लोगों को हेल्दी पानीपुरी खिलाने का काम शुरू किया है, जो बिजनेस अब तरक्की की राह पर है। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में तापसी उपाध्याय नाम की लड़की, जो आजकल BTech पानीपुरी वाली के नाम से मशहूर हो रही है, ये लड़की पानीपुरी का स्टॉल चला रही है। इस लड़की के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दिल्ली की BTech पानीपुरी वाली लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मानो ये लड़की सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है। इस लड़की ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके के मार्केट में छोटा सा स्टॉल शुरू किया था। उसने बुलेट से स्टॉल को जोड़ा और घूम घूम कर एयर फ्री यानी बिना तेल के फ्राई किए हुए गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, यही तो गोलगप्पों की खास बात है। पानीपुरी का यह अनोखा अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि तिलक नगर में सड़क पर काउंटर लगाने वाली लड़की मशहूर हो गई। इस बिजनेस को लेकर इंजीनियरिंग की छात्रा तापसी उपाध्याय ने कहा कि उसे शुरू से बाइक चलाना और खाने पीने की चीजों में हेल्दी फूड बहुत पसंद था, इसलिए उसने ऐसे करने का फैसला किया जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही ये स्टार्टअप का आइडिया आया। इसके बाद BTech पानीपुरी वाली के नाम से ये स्टॉल शुरू किया। लोगों को पानीपुरी का स्वाद तो पता ही था, साथ ही गोलगप्पों का अनोखा तरीका लोगों को भा गया। लोग चटकारे ले लेकर पानीपुरी खाते हैं। इसी की बदौलत तापसी आज सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई हैं और हर कोई उनके साथ गोलगप्पे खाने के बाद सेल्फी भी लेता है। इस बारे में तापसी ने बताया कि 3 महीने पहले इसकी शुरुआत की थी। इस स्टार्टअप का आइडिया उसे कुछ विषम परिस्थितियां आने के बाद आया। उसने निराश होने के बजाय अपने हौसले के साथ हिम्मत बनाई रखी और कुछ करने की ठानी, फिर पानीपुरी का स्टॉल शुरू किया। तापसी को इस स्टॉल की शुरुआत किए हुए 3 महीने हो गए हैं। इसको लेकर तापसी ने कहा कि हम पानीपुरी को तेल में तलकर नहीं बनाते, बल्कि बिना तले बनाते हैं, तभी तो ये हेल्दी फूड है जिसमें सारा कुछ हाथों से तैयार किया जाता है। तापसी कहती हैं कि मेरे 4 जगह पर स्टॉल लग रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।